पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान शेख वकास अकरम ने कहा है कि पीटीआई के 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगर 14 तारीख तक पार्टी रहनुमाओं को मानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो 15 अक्टूबर को हर हाल में इस्लामाबाद जाएंगे और एहतजाज करेंगे। इससे कबल खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शंघाई तआवुन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज करने पर फूट पड़ गयी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज के मुखालिफ नजर आए। इनके अलावा बैरिस्टर गौहर असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन भी 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ हैं। एहतजाज के मुखालिफ रहनुमाओं का मौकिफ है कि 17 अक्टूबर के बाद तो एहतजाज की इजाजत मिल ही जाएगी। पार्टी में फैसला साजी पर बानी पीटीआई से सीनियर लीडरशिप को वीटो पावर देने की बात होने लगी है। दूसरी तरफ पार्टी में शहबाज गिल, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरहत ग्रुप 15 अक्टूबर को ही एहतजाज पर बजिद हैं। उमर अयूब पहले एहतजाज के मुखालिफ थे, बाद में हामी हो गए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने 15 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान किया था।